स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटली योर्स के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, ये है आईफोन टेनेस मैक्स, एप्पल की तरफ से नए आईफोन्स, और इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है जिसका नाम है चार्ज गेट, जिसमें आपके नए आईफोन टेनेस और टेनेस मैक्स नहीं हो रहे हैं चार्ज। तो आज करेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में बात, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यासा का जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने में हेल्प किया है। दोस्तों, चार्ज गेट एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी जो चल रहा है वो ये है कि कुछ आईफोन टेनेस और टेनेस मैक्स के मॉडल्स में आप आईफोन को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं जब आपका आईफोन स्लीप मोड में है या जब उसका डिस्प्ले ऑन नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा इशू है नहीं जितना दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे या इंटरनेट पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप इस चार्ज गेट के इशू को सॉल्व कर सकते हैं और एक फीचर को एनेबल कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को बिल्कुल पहले की तरह चार्ज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये एक सॉफ्टवेयर फीचर है iOS 12 में। इसके लिए आप जाइए सेटिंग्स में और उसके बाद जाइए फेस आईडी में और यहाँ पे आप अपना पासकोड डाल दीजिए। पासकोड डालने के बाद आप स्क्रॉल कीजिए नीचे जहाँ पे लिखा गया है अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट आइटम लिखा गया है वो है USB एक्सेसरीज। ये फिलहाल स्विच ऑफ मोड पे है, जिसका मतलब ये है कि जब आपका फ़ोन एक घंटे से ज़्यादा लॉक्ड रहता है या इनएक्टिव रहता है तब आप USB एक्सेसरीज नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आईफोन टेनेस और टेनेस मैक्स पुरानी तरह चार्ज हो तो आप इसको एनेबल कर दीजिए, और इसको एनेबल करके आप आईफोन टेनेस और टेनेस मैक्स को आइडल मोड में भी चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक सिक्योरिटी फीचर है एप्पल की तरफ से, जिसमें आपका डेटा जो है, आपका आईफोन जो है वो सेफ रहेगा। अगर आपका आईफोन चोरी हो जाता है या आप उसको भूल जाते हैं कहीं पे, तो आपका डेटा सिक्योर रहेगा और कोई भी आपके आईफोन में लाइटनिंग कनेक्टर लगा के आपके डेटा को चुरा नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा अपडेट वीडियो जिसकी मदद से आप इस चार्ज गेट इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इस फीचर को एनेबल करिए और अपने फ़ोन को पहले की तरह यूज़ कीजिए। अगर आप आईफोन टेनेस या टेनेस मैक्स लेने की सोच रहे हैं तो घबराइए मत, फोन्स बिल्कुल ठीक हैं, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का इशू है जो मैं उम्मीद करता हूं कि एप्पल आने वाले अपडेट्स में सॉल्व कर देगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए अगले हफ्ते इसी तरह एक नए वीडियो में, एक रिव्यू, अनबॉक्सिंग, ट्यूटोरियल या कुछ मज़ेदार चीज़ लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।